अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी उर्दू की टीचर। आज हम उर्दू अदब में हैश ट्वेल्व में जमात का काम करेंगे। अमली काम नंबर 2-3 करवाएं, ठीक है। ये हमारी उर्दू की अमली किताब है, अमली काम नंबर 2। जो सबक हम पढ़ रहे हैं, सबक कौन सा है? मौसम। सबक मौसम के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अमली काम नंबर 2 में, चारों मौसमों की एक एक खसूसियत तहरीर करें। मसलन बहार की हरियाली, सर्दियों की बर्फ़बारी वगैरह, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ मैंने लिखवाया है ये भी आप पढ़ लें। सर्दी, सर्दी के बारे में मैंने लिखा है, सर्दी के मौसम में हम मेवा खाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये हम सर्दी के मौसम में शौक से खाते हैं। गर्मी के मौसम में हम ठंडे मशरूबात पीते हैं, जैसा कि शरबत, आइसक्रीम। गर्मियों के गर्म मौसम होता है तो ये ठंडी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं गर्मियों के मौसम में। और खिज़ा के मौसम में खुश्क हवा चलती है, खिज़ा के मौसम में खुश्क हवाएं चलती हैं। और बहार के मौसम में बारिश होती है, बहार के मौसम में बारिशें होती हैं। ये यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख लिया है, ये आप लोगों को लिखना है। सर्दी के मौसम में हम मेवा खाते हैं, गर्मी के मौसम में हम ठंडे मशरूबात पीते हैं, खिज़ा के मौसम में खुश हवा चलती है, बहार के मौसम में बारिश होती है, ठीक है। ये आप लोगों का अमली काम नंबर 2 था। अब अमली काम नंबर 3, अमली काम नंबर 3 है, एक दरख्त बनाएं जिस पर हरे पत्ते, फूल, फल, घोंसले, तितलियां वगैरह और हर चीज़ बनाएं जो आपके जहन में आ रही हों और जो दरख्त पर बसते हों या उगते हों। जैसा कि यहाँ पे दरख्त की तस्वीर बनाई है मैंने, यहाँ चिड़िया, घोंसला, यहाँ पे सेब, ठीक है, यहाँ पे तितलियां। जो चीज़ आपको दरख्त में नज़र आती हैं वो आप बना सकते हैं और इस पर रंग भी भरिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह तस्वीर बनानी है और इसी तरह आपको जो जो आपके जहन में आ रहा है उसकी तस्वीरें भी बनानी है आप लोगों को, और दरख्त में रंग भी भरना है। ये हमारा था अमली काम नंबर 2 और अमली काम नंबर 3। ये आप लोगों को बुक में लिखना है, ठीक है। अब हमारा घर का काम है अमली काम मुकम्मल करें। मैंने करवा लिया है आप लोगों को ये काम। मिकात अव्वल की दोहराई, मिकात अव्वल आप लोगों को दोहराई करनी है। जैसा कि मिकात अव्वल में मैंने आप लोगों को खाली जगह, सही गलत, सवाल जवाब जो भी पढ़ाया है आप लोगों को सबकी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रही हूँ, अमली काम नंबर 2 आप लोगों को लिखना है, अमली काम नंबर 3 में दरख्त की इसी तरह तस्वीर बनानी है और जो जो आपको दरख्त में चीज़ें नज़र आती हैं उनकी तस्वीर भी बनानी है और रंग भी भरना है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।